वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ अम्मी के घर पर। मेरा अम्मी के घर पे है और भाभी बना रही है खाना। तो गाइज, अगर आप पहली मरतबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है और एक बेल बनी हुई आती है, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो और ये देखें, ये बैठे हैं सूफियान। हेलो कर दो सूफी। हेलो। ये लाए हैं चीज और ये खा रहे हैं। देखो स्टार लाए हैं और ये लाए हैं गड्डियां लाए गड्डियां। पैसों की भैंस है, दिल के पैसे है, असली के पैसे। तो चाय का लो। और दिन तो काफी ठंड पड़ रही है आज, तो पूरी थोड़ा सा गर्म दिन है और दिन से मगर इतने दिन बहुत ज्यादा सर्दी रही है यहाँ पर भी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। अजान हो रही है मगरिब की। ज़ूबिया देख, हाय करो, ऐसे करो, कर चल दे, आ जा, बैठ गई दादी, क्यूटी बैठ गई, क्यूटी, इमारा हाय करो, हाय, बाय, बाय करो, कर दो बाबू, कर दिया उसने, क्या करोगे, करो जल्दी करो। ये बना रही है भाभी चाय और चिकन, और आप गैस देख सकते हो उससे कितनी खतरनाक वाली छींट आती है। भाई एक अंदर, भाई भाई कहाँ है? भाई सूफियान ऊपर है, ऊपर ही सूफियान को ढूंढ रही है। कहाँ है भाई? कहाँ है मेरी क्यूट सी भतीजी, मेरी क्यूट सी लाडो? अले 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 चेंज हो रही है और ये बराबर बातें कर रही है मेरी डॉल। पापा जी जी जूबी गंदीबा छी ये जी गंदा बच्चा, सारे कपड़े उतर पड़े इनके। देखो प्यारे प्यारे छोटे से शूज, इससे ठंड नहीं चढ़ती, लेदर के हैं ये, पहने रहती है घर में सारा दिन। इतने प्यारे ना, क्यूट से, और मेरे भी हैं इसमें फूफी भतीजी के एक से हैं बिल्कुल। घर में पहनने से ठंड नहीं लगती है। देखिए क्यूट से शूज, ये ले लो मामा का फोन। खुश अच्छा गाइस, ये ब्लॉग चल रहा है संडे के दिन से। कल मेरा ब्लॉग आया था, थोड़ी सी ना ऐड में संडे की क्लिप करूंगी इसमें, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर गई थी और ये बना रही हूँ मैं भेलपूरी। शाम का टाइम हो चुका है, चाय के साथ। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये मैंने दो डाइट मिक्सचर जो होते हैं, सॉरी डाइट, ये वाला डाला है और दो डाली है ये हॉट मिक्स नमकीन। ये हॉट मिक्स नमकीन है और ये है मुरमुरे जो होते हैं दो पैकेट। ये दो पैकेट मुरमुरे डाले हैं इसमें और थोड़ी सी बारीक कटी प्याज डालूंगी इसमें। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी नन्ही सी लाल मिर्च, इसमें डालूंगी थोड़ी सी सॉस, और आपके पास ग्रीन चटनी वो भी डाल सकते हैं, पर मैं सुबह सॉस डालूंगी। मैंने मिर्ची डाल दी है, आप हरी मिर्च की चटनी भी डाल सकते हैं। Thank you.
और एक नींबू का रस। और ध्यान से इसके क्या बोलते हैं बीज, मेरे दिमाग में बीज रही जा रहे जाए, नींबू के नुकसान देते हैं। पहले बीज निकाल देती हूँ उनके, अगर गिर भी जाए तो ध्यान से निकाल दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए मैं नहीं डालूंगी, आपको अच्छे लगते हैं आप डाल सकते हैं। और तीखे आप अपने हिसाब से, हरी मिर्च मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो हरी मिर्च नहीं डालूंगी, आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये बहुत ही यम्मी बनती है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। छोटा बच्चा भी है, उसको मिर्च लगेगी इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली है मैंने, थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ कैसी बनी है। बहुत ही यम्मी बनी है ये, और इसमें एक मीठी सॉस और डाल दी है मुझे अभी। तो चलिए हमारी भेलपूरी रेडी है, और इधर है गूगल, इधर एग उबल रहे हैं और इधर चाय बन रही है, दूध उबाला है अभी, तो इसमें हम डालेंगे मीठी सॉस जो गोलगप्पों में डलती है, ये वाली दही बल्लो वाली मेरे पास हमेशा रहती है। तो बस ये ऐड करेंगे। तो गाइस एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से, बहुत ही यम्मी बनती है, बिल्कुल आसान है इसे बनाना। तो चलिए इसे मिला लेते हैं हम बहुत अच्छे से, इसे कर देते हैं बंद। खट्टी मीठी तीखी तो ये सारी चीज आपस में ना अच्छे से मिल जाए, बस इसका ध्यान रखना है। तो बस चाय में दूध डालना है और फिर चाय के साथ खाएंगे हम देर। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है ये, फिर भी चख लेती हूँ। बस बिल्कुल यम्मी बनी है, बस इसमें ना हल्की सी मिर्च ऐड करनी है, हरी नहीं डालूंगी लाल डालूंगी। तो ये परफेक्ट बनी है, अब दही पे दूध डाल देते हैं। हमारे भेलपूरी रेडी, आपकी खा लीजिए, शाम का नाश्ता हो चुका है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में एग करी बनाने के लिए, मैंने डाल दिया है जीरा, और इसकी फुल रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है इसलिए मैंने नहीं डाली है, आप क्या कर सकते हैं। इधर मैं मसाला भूनूंगी, इसमें इधर एग फ्राई कर दूंगी फ्राई पैन में, और जल्दी बन जाएंगे ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा ना मसाला भूनने में टाइम लगता है, और अगर मैं पूरी रेसिपी दिखाती तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती थी बेटा। नहीं वो वैसे पड़ा हुआ है, मेरा बेटा क्या कह रहा है सब्जी में चढ़े बेटा डाले बस। ये हमारा मसाला भुन जाएगा, तब तक हम एग छील लेते हैं और ये जो तो मसाला है ये डाल देते हैं पानी से। बस ये ध्यान रखना है कि ना हमारा ये करी का मसाला लगे नहीं,
बेबी नहीं रहने दो। चलो इसे हम भर देते हैं, पानी डाल देते हैं थोड़ा सा ताकि पानी डाल दूंगी ताकि लगे नहीं और आराम आराम से उनका रहेगा। इतने में इधर एग छील लेती हूँ और उन्हें फ्राई कर देती हूँ। ठीक है, इसे गैस पर छोड़ देते हैं। और ये हमारे देखिए एग उबल चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई कर लेंगे से छीलना है ताकि टूट नहीं जाए। गैस हल्की करती है ताकि मसाला लगे नहीं। तो हम इसमें मसाला मिल रहा है अभी और पानी थोड़ा सा डालूंगी ताकि लगे नहीं, चिपके नहीं। मसाले में अभी कच्चापन है इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के रख दूंगी। जब तक इसकी हराम नहीं निकलती ना मसाले की तब तक टेस्ट नहीं आता है। बस अदरक प्याज सब चीज़ की स्मेल निकल जाए तब तक हमें अच्छे से भूनना होता है इसको। मसाले का क्या हाल है और ये मैं एग फ्राई कर लिए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। ये देखो ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से छोड़ दिया है मसाले ने और अब देखती हूँ मैं हराम भी नहीं आ रही है। तो ये देखो जब ये अच्छे से बिल्कुल फटाफटा हो जाए तो समझ लीजिए हमारा मसाला है रेडी। तो हम इसमें डालेंगे एग और थोड़ी देर पकाएंगे, फिर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ग्रेवी जितनी पतली या गाढ़ी आप रखना चाहें इसे। आप चावल से खाइए, रोटी से खाइए, पराठों से खाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। और हम ताकि मसाला मिल जाए एग्स में। और अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मतलब एग बिरयानी की वीडियो भी डाल रखी है मैंने, अगर आपको देखनी है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर चेक आउट कर लीजिए, मिल जाएगी आपको आसानी से। बहुत सारी रेसिपी शेयर कर रखी है मैंने। तो थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही पकने देंगे और फिर डाल देंगे हम इसमें पानी, जितना हमें इसे पतला या गाढ़ा रखना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ढक देते हैं इसे। और गाइस पहली मरतबा आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, उस गलती को मुझे बताइए समझाइए ताकि उस कमी को मैं दूर कर सकूं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों से शेयर कर सकूं। क्योंकि अभी नई हूँ तो थोड़ी घबराहट भी होती है, थोड़ी गलतियाँ भी हो रही हैं। बस अपनी बहन को सपोर्ट करिए और गलतियों को बताइए ताकि मैं गलतियों को दूर करूँ। मैं बुरा नहीं मानूंगी, मुझे अच्छा लगेगा अपना वही है जो गलतियाँ बताए, और गलतियाँ कर करके सीखता है इंसान। अभी नया नया काम शुरू करा है तो इसलिए प्लीज़ हेल्प करिएगा, सपोर्ट करिएगा अपने सिस्टर को। चलिए बने रहिए, आगे मिलते हैं थोड़ी देर में। रोटी बना लेती हूँ इतने में, खोल कर देख लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं तो ये देखिए अच्छे से मसाला चढ़ चुका है। पर अब हम डालेंगे इसमें पानी। ये मैंने बनाई है जी, ये देखें अच्छे से मिला दें। ग्रेवी वाली शोरबे वाली बनाई है मैंने ये, क्योंकि अभी रख के ना इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो ये देखें अब इसमें डालना है मुझे गरम मसाला पिसा हुआ। आप चाहे साबुत डाल सकते हैं मेरे बच्चे ना, थोड़ा सा मतलब अलकसात है ऐसे खाने में,
है मम्मी ये नहीं डाला करो, इसलिए मैं पिसावा ही डालती हूँ। बस हम इसमें उबाल लगाएंगे, नमक टेस्ट करेंगे, नमक फीका है, नमक डाल देंगे थोड़ा सा। नमक डाल दिया है और हमारे अंडे हो चुके हैं एग करी तैयार। अभी पता है इसमें क्या चीज रह गई, हरा धनिया। तो इतना उबाल आता है तो हम हरा धनिया कट कर लेते हैं। चलिए डाल देते हैं हम, उबाल आ चुका है इसमें हरा धनिया। अच्छे से उबाल लगाने के बाद हम इसे कर देंगे ऑफ। ये देखिए खूब उबाल आ रहा है इसमें अभी। तो चलिए जी एग करी हो गई तैयार, थोड़ी देर में बात करती हूँ।